सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कल धूप खिली, जिससे लोगों को ठंड से राहत भी मिली है। वहीं साफ मौसम के कारण राज्यों के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। आईएमडी के अनुसार सोमवार को राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक यानी 26.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कल हवा भी ज्यादा तेज नहीं थी और हवाओं की नमी का स्तर 97% तक रहा था। कल यानी सोमवार को राजधानी की सुबह हल्के कोहरे के साथ जरूर हुई थी, लेकिन दिन भर धूप खिलने से लोगों को काफी राहत भी महसूस हुई। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। दरअसल अनुमान के अनुसार दिल्ली में आज दिन भर बादल छाए रह सकते हैं, वहीं रात तक कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को दिल्ली में तेज हवाएं चलने से ठंड में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में एक बार फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों के तापमान में गिरावट के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। यूपी में आने वाले 2 दिन लोगों के लिए काफी मुश्किल वाले हो सकते हैं, क्योंकि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 2 दिनों तक यहां कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। वहीं पंजाब और बिहार में भी कल ठंड पड़ने वाली है। कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में लोगों को ठंड से थोड़ी राहत भी मिल सकती है। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी दोनों ही होने का अनुमान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।